अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूं आपकी जवेरिया सहर और आज मैं आपके लिए लाई हूं दाल तड़का की रेसिपी। साथ में बनाऊंगी उबले हुए चावल और इसमें है मूंग दाल और मसूर दाल, जो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और इसमें मैं क्या ऐसा मिक्स करूँगी कि इसमें टेस्ट आएगा चिकन जैसा। और मैं आगे फिर आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या ऐसा मिक्स किया है जो इसमें टेस्ट चिकन जैसा आया। ठीक है, अच्छा, इसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो पानी लिया है, 1 kg वाटर, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं, 2 टमाटर, हरी मिर्चें और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, बस इन चीज़ों को डाल के, और इसके बाद स्पाइसेस डालने हैं इसमें। 2 चम्मच है लाल मिर्च, 2 चम्मच है सूखा धनिया कुटा हुआ, और 1/2 चम्मच है हल्दी, 1 चम्मच है नमक। बस ये सब चीज़ें डाल के इसमें मिक्स करके खड़ा कर देना आपने जब तक बॉयल आए, और उसमें दाल भी मिक्स कर देनी है साथ ही। ठीक है, और बस दाल जब मिक्स करनी है, इसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इसको खड़ा कर देना है ताकि ये दाल जो है ना मीडियम फ्लेम पे अपने आप ही पकती रहे। हम प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे, मैं आपके सामने इसी देगची में बनाऊंगी और इस तरह बनेगी जैसे प्रेशर कुकर में दाल बनती है। लोग प्रेशर कुकर में बनाते हैं वो है झटपट वाला काम, कि अगर अचानक से हम आपको दाल बनाने की ज़रूरत पड़ गई या कुछ भी है तो आपने कहीं जाना है तो जल्दी से प्रेशर कुकर में डालें, 5 से 7 मिनट में दाल तैयार, तड़का तैयार करें और दाल में डालें दाल तैयार। तो ये जो तरीका है ना हमारा देसी तरीका, इससे ये होता है कि दाल में जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। प्रेशर कुकर में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जो इस तरह से आता है। ठीक है, बस दाल में डाल दिया, मूंग मसूर की दाल मैंने ली थी 1 पाव, वो मैंने इसमें डाल दिया मिक्स करके। बस अब इसको ढक्कन लगा के खड़ा कर दूँगी मीडियम फ्लेम पर और मैं अपने दूसरे काम करती रहूँगी जब तक दाल भी हमारी बन जाएगी। ठीक है, पानी खुश्क हो जाएगा इसका। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक किया करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और ये तकरीबन 1/2 घंटे के बाद ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था दाल का, जो मैंने इसमें पानी मिक्स किया था, और ये बस इतना सा पानी मुझे चाहिए। अब मैं इसमें ना तड़का लगा लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको हिलाऊंगी, जो चीज़ें रह गई हैं जैसे टमाटर नज़र आ रहे हैं अभी, तो इसको ज़रा अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये टमाटर इसी में घुल जाएंगे, हर चीज़ नज़र आना बंद हो जाएगी और दाल मिक्स हो जाएगी, यानी कि हलीम जैसी बन जाएगी। ठीक है, बस ये दाल जब इतनी हो जाएगी इसके बाद मैं इसमें मिक्स करूँ तड़का इसका तैयार करूँगी। अच्छा, इसी टाइम में मैंने इसमें डाला है कनौर चिकन क्यूब 1, जो इसमें टेस्ट लाएगा चिकन का। ठीक है, आपने ये कोशिश करें, आप अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास है ये आप ले सकते हैं तो आप लाजमी डालें और फिर दाल का टेस्ट देखें कैसा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और आप खुद ही तारीफ़ करेंगे अपनी चीज़ की कि वाकई आज बहुत ही मज़े की मुनफरिद सी दाल बनी है, अलग सी। बस ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं इसमें तड़का तैयार करूंगी, और आपको इसमें घोटने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पे खड़ा करेंगे ना दाल को तकरीबन 1/2 से 1.25 घंटे के दरमियान, तब आपको इसमें घोटने वगैरह बीट लगाने की मिक्स करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप ही हलवा बन जाएगी दाल। तो बस ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। अच्छा, ये ऑयल मैंने लिया है वो वाला जो मैंने फ्राइज़ बनाए थे उसका जो बचा हुआ था ऑयल, वही मैं इसमें तड़के में यूज़ करूँगी, किसी चीज़ का नुकसान वेस्ट ना किया करें, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे लिए अगर मैं चाहती तो वो वेस्ट कर देती, वो ज़ाया हो जाता। तो आजकल जो महंगाई का दौर है इसमें चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई वेस्ट करनी चाहिए। अच्छा, ये ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म किया, इसमें ज़ीरा डाला 1 चम्मच और 2 चम्मच इसमें डाले कुटा हुआ क्रश किया हुआ लहसुन और कसूरी मेथी 1 चम्मच और थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी डाली 1 चुटकी। ये इसका जो टेस्ट है ना इसमें बहुत अच्छा आएगा और कलर भी दाल का खूबसूरत सा हो जाएगा। बस ये मैंने इसके तड़का तैयार करे, जब इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी इन सब चीज़ों को,
और तड़के की जो खुशबू आ रही थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप मेरे इसी तरीके से बनाएंगे दाल तो आप हमेशा यही तरीका ही अपना लेंगे, बाकी सारे तरीके छोड़ देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तड़का बना था। अगर आप चाहें इसमें गोल लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं तड़के में, या हरी मिर्च भी। हरी मिर्च मैंने पहले ही डाल दी थी दाल में, रेड भी डाली हुई है, तो मज़ीद ज़रूरत नहीं है इसमें मिर्चें और डालने की। बस ये हमारा ज़बरदस्त सा तड़का यहाँ तैयार हो रहा है। और जहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। और आप लोगों की तरफ से ये सपोर्ट है, प्यार होता है जो हमें मिलता है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। ये देखें जी, मैंने दाल को तड़का लगा दिया, बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का। अब दो तीन मिनट के लिए ना मैं इसको ढक्कन लगा के फ़ौरन ही बंद कर दूँगी, ताकि जो तड़के की खुशबू है, जायका है, टेस्ट है, वो बाहर ना जाए, इसके अंदर ही जज्ब हो जाए दाल के। बस मैंने इसको थोड़ा सा ढक्कन में रख के, ढक्कन लगा के रख के अब मैं इसको दोबारा से हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी, और इसमें अब और चीज़ें मिक्स करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अब इसमें और क्या मिक्स करना है। ये एक बॉइल भी आ चुका है तड़के के बाद। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी हरा धनिया जो मैंने काट के रखा हुआ था। हरा धनिया, हरी मिर्ची इस दाल में मिक्स करना ज़रूरी होता है, इससे दाल की खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने किसी कुकर में नहीं बनाई, सिर्फ इसी देगची में बनाई और 1 किलो पानी में बनाई है। देखिए आप कैसे हलीम जैसी दाल बन चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। बस ये हरा धनिया मिक्स करके इसके बाद इसमें मिक्स करेंगे गरम मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच मिक्स करेंगे। और गरम मसाले से ये है कि इसकी खुशबू अच्छी आएगी दाल में, और जो बादी वगैरह होती है दाल की वो भी नहीं होगी, गैस वगैरह कुछ भी नहीं होगा इससे, क्योंकि मैंने इसमें पहले अदरक भी डाला और अब गरम मसाला डाल दिया। बस गरम मसाला डाल के हमने चूल्हा कर दिया बंद, अब वो दाल खड़ी रहेगी साइड पे, चूल्हा बंद है हमारा। अब दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे चावल उबले हुए, क्योंकि ज़ाहिर है दाल बनी है तो चावल बनना ज़रूरी है। जो दाल और चावल का कम्बिनेशन है वो तो बहुत ही मशहूर है और सबको पता ही है, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 किलो पानी। अब इसमें मिक्स करूँगी 1 चम्मच नमक, क्योंकि चावल नमक के बगैर अच्छे नहीं बनते। और थोड़ा सा करूँगी मिक्स इसमें ज़ीरा, ज़ीरा मतलब 1 चम्मच ही ज़ीरा या 1/2 चम्मच जैसे आपका दिल करे, ज़ीरा मिक्स कर देंगे। और इसमें शामिल करूँगी चावल, जो मैंने 1/2 kg चावल पहले ही धो के रखे हुए थे पानी में, अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। बस इसको मीडियम फ्लेम पे खड़ा कर दूँगी और ये 5 से 7 मिनट में हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके चावलों को मैं मीडियम फ्लेम पे खड़ा कर दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें जी, हमारे चावल हो चुके हैं बॉयल अच्छी तरीके से। बस ये हो गए थे बॉयल, और इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से आप चावल बॉयल कर लें, बहुत ही खूबसूरत से चावल हमारे बॉयल हो चुके, दाना दाना सा अलहदा हो चुका था। अब बस इसको मैं ड्रेन करूँगी पानी में, और बस इसके बाद मैं छली में इसको डाल दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखें हमारे चावल कैसे ज़बरदस्त से बॉयल हो चुके हैं, ज़ीरे वाले चावल। और अब मैं इसको प्लेट में डाल के आपको दिखाऊंगी कि मैं दाल चावल किस तरह से बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त से, ये देखें। तो ये स्टाइल बनाए, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा, इस तरीके से दाल चावल खाना पसंद करेंगे वो। और यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।